हेलो एवरीवन। सो आज लेक्चर 3 स्टार्ट करने के पहले एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि लेक्चर 1, 2 में हमने पढ़ा क्या है। तो सबसे पहले तो हमने मैनुअल टेस्टिंग पढ़ा था। यहाँ पे हम कोई टूल यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे टेस्टर जो कि हर कंपनी में होता है वो परफॉर्म करता है टेस्टिंग। जैसे मैं ये वेबसाइट को ओपन करूँगा तो ये ओपन होगा। ये एक इमेजिन करो, ये वेबसाइट हमको डेवलपर ने बना के दिए। अभी हमें इसे टेस्ट करना है कि प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। तो जो भी यूज़र नेम लेट से कोई टाइप करेगा तो ये टेस्टर इसे मैन्युअली टाइप करेगा, पासवर्ड भी मैन्युअली टाइप करेगा और साइनिंग पे क्लिक करेगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्रिएट न्यू अकाउंट पे फिर क्लिक करेगा, सब परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूरा मैन्युअल टेस्टिंग यानी मैन्युअल तरीके से टेस्टर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैन्युअल टेस्टिंग। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग की वजह से ऑटोमेशन कम्स इंटू पिक्चर। रीटेस्टिंग बोल तो इवेल्युएट विथ मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा। हमको कोई चीज़ चेक करने का है लेकिन उसके लिए बहुत सारे सेट्स ऑफ डेटा है, वो हर एक हमें चेक करना है, तो मैनुअल में बहुत सारा टाइम लगेगा। वैसे रिग्रेशन के लिए कोई एक फीचर हमने बना के दिया है और वो हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। लेट से हमने वो फीचर अब टेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी डेवलपर ने हमको और एक फीचर बना के दिया है, तो हम उसको भी टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ पहले भी, क्योंकि दूसरे के कारण पहले कोई इफेक्ट नहीं होने को ना, ठीक है। तो इसके कारण बिकॉज ऑफ दिस टू रीज़न, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग की वजह से ऑटोमेशन कम्स इनटू पिक्चर, क्योंकि रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क करना पड़ता था, तो ऑटोमेशन कम्स इंटू पिक्चर। ओके, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या है, हम टूल का हेल्प लेने वाले हैं, परफॉर्मिंग द टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टूल। यहाँ पे हम टूल का यूज़ करने वाले हैं और वो टूल कौन सा है, सेलेनियम, ठीक है। हम यहाँ पे सेलेनियम टूल का यूज़ करने वाले हैं टू परफॉर्म द ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, अब तुम सोच रहे होंगे ये टूल कैसे परफॉर्म कर सकता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, तो सबसे पहले तो ये सोचने के पहले अभी मैं आपको बताता हूँ कि सेलेनियम में कोई सिंगल कंपोनेंट नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल। और सेलेनियम के अंदर 4 कंपोनेंट है, ये आपको बताया था मैंने, ID, RC, वेब ड्राइवर एंड ग्रिड। जो कि RC क्या है, आउटडेटेड है, ओके, जिसमें थे 3 बचे। और जो सेलेनियम वेब ड्राइवर है वो मेन कंपोनेंट है, ये आपको बता दिया था मैंने। और वो क्या, एक API भी है, ठीक है। API का सिंपल सा मतलब है कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरी कमांड्स मेथड्स बहुत सारे, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। API के अंदर बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, हर पैकेजेस के अंदर बहुत सारे क्लास, ऐसा जैसे एग्जांपल जावा API है ना, उसके अंदर मॉड्यूल्स है, फिर हर मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे पैकेजेस है, हर पैकेजेस के अंदर बहुत सारी क्लासेस, फिर क्लासेस के अंदर मेथड्स, और मेथड्स को हम कमांड बोलते हैं। ओके, ठीक है, लिंक समझ में आया। सेलेनियम कोई सिंगल कंपोनेंट नहीं है, उसके 4 कंपोनेंट है। सेलेनियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंपोनेंट, जिसके अंदर का जो वेब ड्राइवर है वो मेन कंपोनेंट है, और वो क्या है, वो एक API भी है। सेलेनियम वेब ड्राइवर इज़ एन API, यानी बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस वगैरह तो है, यानी हमारे पास तो एक जावा API तो है ऑलरेडी, और एक अब सिलीनियम API भी है। अगर हम सिलीनियम वेब ड्राइवर को हमारे जावा प्रोग्राम में डाल देंगे तो, ठीक है, इतना समझ में आए। सो आई थिंक इट्स क्लियर कि मैनुअल टेस्टिंग तो ये तो हमें पता ही है, बिकॉज ऑफ रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग ऑटोमेशन कम्स इनटू पिक्चर। और ऑटोमेशन में हम एक ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं जो कि है सिलीनियम। ओके, ठीक है। परफॉर्मिंग द टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टूल इज नोन एज ऑटोमेशन टेस्टिंग, और वो टूल कौन सा है, सेलेनियम। सेलेनियम सिंगल कंपोनेंट नहीं है, सेलेनियम में 4 कंपोनेंट है, और जिसका सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, मेन कंपोनेंट, और वो क्या है, वो API है। यानी हमारे पास एक जावा API तो है, अब सेलेनियम API भी आ गई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास जावा API प्लस सेलेनियम API तो है, तो अब हम इससे कोड बनाएंगे, हम इससे कोड बनाएंगे, और जो भी टेस्टर जो भी डेवलपर होता है ना, एक कोड बनाता है, ठीक है, ठीक है, जो भी टेस्टर डेवलपर होता है वो पूरा कोड बनाता है बाय यूजिंग जावा API एंड सिलीनियम API। जब वो कोड को रन करेंगे ना, जब वो कोड को रन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली टेस्टिंग परफॉर्म होगी। अब वो कोड में पूरा कोड लिखेंगे कि कैसा, सबसे पहले तो वेबसाइट ओपन होने को होना, फिर वो यूज़र नेम को क्लिक करके वहाँ पे टाइप होने को होना, फिर पासवर्ड में टाइप हो जाने को होना ऑटोमेटिकली, और फिर साइनिंग पे भी ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाने को होना। तो ये पूरा उसका कोड लिखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल व्यू था, हमने ये देखा था, ठीक है। तो हमने ये पूरा बोला है कि ये पूरा कोड लिखते हैं, ऐसा जो भी टेस्टर्स होता है वो पूरा कोड लिखते हैं, ऑटोमेशन कोड लिखते हैं बाय यूजिंग जावा API एंड सेलेनियम API। तो कोड लिखने के लिए वो क्या बोलेगा कि सबसे पहले यूज़र नेम पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइप करो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेनियम क्या होता है, ब्लाइंड होता है, उसके लिए हम पढ़ते हैं लोकेटर्स, उसके लिए हम पढ़ते हैं लोकेटर्स। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेनियम ब्लाइंड होता है, तो क्या होता है, सेलेनियम लोकेटर्स का यूज़ करता है और लोकेटर्स वो एलिमेंट को लोकेट करके देता है, और फिर सेलेनियम उस पर क्लिक करना है या जो भी करना है परफॉर्म एक्शन वो कर सकता है। बस इतना सा कंसेप्ट है। ओके, तो
तो ये देखो मैंने आपको शॉर्ट में एक बार बता दिया है कि मैंने लिख के रखा है कि हमें मैनुअल टेस्टिंग हम सबसे पहले करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग की वजह से ऑटोमेशन कम्स इनटू पिक्चर। और ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं जो कि है सिलीनियम। ओके ठीक है, हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में। ऑटोमेशन कम्स इनटू पिक्चर ये तो आ गया था रीटेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग की वजह से, और ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम वी आर यूजिंग टूल जो कि सिलीनियम है। और ऑटोमेशन टेस्टिंग की वही डेफिनेशन है कि ये देखो परफॉर्मिंग द टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टूल, ठीक है, तो वही है ऑटोमेशन टेस्टिंग कम्स इन टू पिक्चर। और परफॉर्मिंग द टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टूल इज नोन एज ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो हम टूल कौन सा यूज़ करने वाले हैं, सिलीनियम यूज़ करने वाले। सिलीनियम सिंगल कंपोनेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल है। ओके और जिसके अंदर चार कंपोनेंट है, और जो वेब ड्राइवर है सिलीनियम वेब ड्राइवर वो क्या है मेन कंपोनेंट, एंड वो क्या है एक वो वेब API भी है। ठीक है, सिलीनियम वेब ड्राइवर इज एन API। तो अभी अपने पास जावा API तो है ही, क्योंकि ये देखो इक्लिप्स आईडी में हम कोई भी कोड लिखते हैं तो हमने पहले से ही JDK डाल दिया ना, तो हमारे पास जावा लाइब्रेरी तो है ही, जावा API। ओके अब सिलीनियम वेब ड्राइवर API भी हम डाल देंगे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि हम वो जावा कोड में कैसे डालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस मेथड्स तो जावा API में है ही, प्री डिफाइंड क्लासेस जो भी अपने को होना ये सिलीनियम वेब ड्राइवर API में है। यानी अब हम जावा कोड प्लस सिलीनियम कोड ऐसा लिख सकते हैं इक्लिप्स आईडी में, वहाँ जावा कोड प्लस सिलीनियम कोड ऐसा लिख सकते हैं, और उसको ही बोलते हैं ऑटोमेशन कोड। ठीक है, उसको ही बोलते हैं ऑटोमेशन कोड। जब हम वो प्रोग्राम को रन करेंगे ना तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब तुम सोच रहे होंगे कि ये जावा कोड और सिलीनियम कोड में लिखते क्या है अपन, तो ये हम अब पूरा डिटेल में अच्छे से देखेंगे। जैसे मैनुअल टेस्टर जैसे परफॉर्म करता है ना, वैसे स्टेप्स को हम कोडिंग के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले तो क्या करता है मैनुअल टेस्टर, वेबसाइट ओपन करता है, फिर वो यूज़र नेम एक लॉगिन का ही मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो। सबसे पहले तो जो भी मैनुअल टेस्टर होता है वो वेबसाइट ओपन करता है, फिर यूज़र नेम पे ऐसा क्लिक करके टाइप करता है, फिर पासवर्ड पे क्लिक करके टाइप करता है, फिर साइन इन पे क्लिक करता है। तो यही स्टेप्स को हम कोडिंग के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग जावा कोड एंड सिलीनियम कोड। तो इसके वजह से हम ऑटोमेशन कोड बनाएंगे, और जैसे उसको रन करेंगे तो ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखो अभी अपने को डेवलपर ने एक वेबसाइट बना के दिया, एग्जाम्पल ये वेबसाइट अपने को डेवलपर ने बना के दिए। ओके तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टेस्टिंग। हम क्या करेंगे, लेट्स से एग्जाम्पल हमें लॉगिंग का जो फीचर है जो कि दिया है उसको टेस्ट करना है, तो वी विल राइट अ कोड बाय यूजिंग जावा एंड सिलीनियम API। ये मैंने आपको बता दिया, मैनुअल टेस्टिंग तो करेंगे नहीं हम, तो ऑटोमेशन ही करेंगे। ठीक है, तो वी विल राइट अ कोड बाय यूजिंग जावा एंड सिलीनियम API। अभी क्या होता है कि जब तुम सिलीनियम का कोड लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलीनियम ब्लाइंड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सिलीनियम ब्लाइंड होता है। ठीक है, अभी मैंने तुमको बताया कि जैसे तुम है ना कोड लिखोगे, सबसे पहले तो ये वेबसाइट ओपन करने का कोड लिखोगे। ठीक है, फिर तुम क्या बोलेंगे इस पर क्लिक करो और टाइप करो, लेकिन सिलीनियम बाय डिफ़ॉल्ट ब्लाइंड होता है, वो इस पर क्लिक कर ही नहीं सकता है। जो भी तुम एक्शन बोलेंगे ना वो कर देगा, लेकिन करना कहाँ है, ये सिलीनियम ब्लाइंड है इसलिए वो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो सिलीनियम बोलेगा कि मेरे को भाई तुम ढूंढ के दो जो भी लोकेट। तो सबसे पहले होता क्या है, जो भी लोकेटर्स होता है ना, यहाँ पे सिलीनियम लोकेटर्स की हेल्प लेता है, तो लोकेटर्स है ना उसको फाइंड करके देंगे जो भी एलिमेंट पे तेको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे लेट्स से एग्जांपल यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है, तो ये जो इंस्पेक्ट करते हैं हम, ठीक है, और ये यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखो हमारे पास ID, ये क्या है लोकेटर लॉगिन वन, तो यहाँ पे ये यूज़ होगा लोकेटर यूज़ होगा, और वो एलिमेंट को ढूंढ के देगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे लोकेटर्स है ना यहाँ पे लोकेटर सिलीनियम वेब ड्राइवर को हेल्प करेगा, सिलीनियम को हेल्प करेगा ढूंढने के लिए। ठीक है, क्योंकि सिलीनियम बाय डिफॉल्ट ब्लाइंड होता है, तो एलिमेंट को ढूंढ के देगा और फिर सिलीनियम उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर, ये सिंपल सा डेफिनेशन है, हमने ये फर्स्ट टू लेक्चर्स में इतना ही पढ़ा। ठीक है, तो हमें अभी किस पे भी क्लिक करना है ना, तो हम सबसे पहले तो लोकेटर्स की हेल्प लेंगे, इसलिए हमने सबसे पहले तो लोकेटर्स पढ़ लिया। ये देखो 7 टाइप्स के लोकेटर्स है, ID, नेम, क्लास, लिंक, टेक्स्ट, CSS, इसको मैं डिटेल में अच्छे से बताने वाला हूँ। ओके ठीक है, ओके तो एक बात ध्यान रखना, तुम वेब पे जब भी कोई खोलते हो ना, एवरीथिंग इज़ एन वेब एलिमेंट, एवरीथिंग इज़ एन वेब एलिमेंट, ये बात ध्यान रखना।
और ये देखो सिलीनियम क्या है, बाय डिफॉल्ट ब्लाइंड है। इन ऑर्डर टू लोकेट एलिमेंट वी नीड टू यूज लोकेटर्स। सिलीनियम हैज़ एबिलिटी टू क्लिक ऑन एलिमेंट। सिलीनियम कुछ भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहले तो उसको बताना पड़ेगा कि हमें कहाँ क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कहाँ ऑप्शन कहाँ हमें एक्शन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए एक बार लोकेटर बता देगा कि तुम्हें यहाँ एक्शन परफॉर्म करना है, ये काम करना है यहाँ पे, तो फिर सिलीनियम वो एक्शन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो लोकेटर्स का हम यूज़ करेंगे हम कोड वगैरह अभी नेक्स्ट, अभी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वेब ड्राइवर API कमांड्स देखेंगे, बहुत सारी कमांड्स हैं, और इसके अंदर ही हम फर्स्ट कोड लिखने वाले हैं सिलीनियम के अंदर, सिलीनियम प्लस जावा API का यूज़ करके एक कोड लिखेंगे। ओके।